हे गाइस, होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं आपका एजुकेटर मिस्टर वीरेंद्र सिंह। सवाल ये आता है कि व्हाट इज द सैलरी ऑफ नेट क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड व्हाट आर द प्रमोशन क्राइटेरियाज। कि अगर मैं पीएचडी नहीं करता हूँ, सीधे एमएससी के बाद जो है नेट क्वालिफाइड करके, एलएस क्वालिफाई करके जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता हूँ, तो वो क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, इसके ऊपर जब चर्चा करने की हम कोशिश करते हैं तो जरा समझिएगा कि जनरली जो सैलरी मोटा मोटा जो होता है वो कितने के आसपास होता है? 70 के आसपास। अगर आप बात करें तो नेट क्वालिफाइड है तो मोटा मोटी जो है इतना मिलेगा, बट कुछ इंस्टीट्यूट्स में जो है ये वैल्यू घट के लगभग लगभग 60 के आसपास होता है। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, और कई जगहों पे अपने मनमानी जो ले रहे हैं। देखो, ये रिक्रूटमेंट के बेसिस की बात है, जहां पे प्रॉपर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं तब। ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, 5,000 ऊपर नीचे, वो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ इंस्टीट्यूट्स, बट फिलहाल के लिए मोटा मोटी 50 से 70 के आसपास जो है आपको पैसा मिलता है पर मंथ, 50 to 70 thousands एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो है धीरे धीरे ग्रो करते हैं एसोसिएट में और फिर क्या बनते हैं? प्रोफेसर्स में। लेकिन प्रोफेसर्स बनने के लिए आपको पीएचडी का होना बड़ा जरूरी हो जाता है। आप सिर्फ एमएससी से प्रोफेसर्स नहीं बन सकते, यू मस्ट हैव पीएचडी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, इवन कुछ इंस्टीट्यूट आपको एसोसिएट प्रोफेसर भी बना देंगे, लेकिन आप जो है प्रोफेसर्स नहीं बन पाएंगे अगर आपके पास पीएचडी नहीं हुआ तो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसके लिए जो है आप पीएचडी के थ्रू जाए तो बेहतर है, पैसा भी ज्यादा मिलेगा उसके बाद जाएंगे तो, और साथ में जो है प्रमोशन की क्राइटेरियाज भी फुलफिल होंगी। तो प्रमोशन की क्राइटेरिया के ऊपर जब बात करते हैं तो प्रमोशन की क्राइटेरिया में पीएचडी आपका एक अड़ंगा बन सकता है। ऑल्दो प्रमोशन तो होंगे, थोड़े बहुत पैसे भी बढ़ेंगे, लेकिन अगर पीएचडी के थ्रू जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, तो लगभग लगभग 1 से 2 लाख पर मंथ तक भी आपको मिलता है पैसा, 1 to 2 lakh पर मंथ तक। ये कुछ बेसिक सैलरीज होती हैं। अगर आप पीएचडी के थ्रू जाएंगे तो प्रोफेसर तक जाएंगे, और अगर एमएससी के थ्रू जा रहे हैं तो प्रोफेसर तक बनना आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो सकती है। होप कि आपके डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे कि लगभग कितना पैसा मिलता है, और प्रमोशन के लिए एमएससी के थ्रू जाना है या पीएचडी के थ्रू जाना है, ये भी आपको आइडिया लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।